अशोक जाय भाई, इनका सवाल है कि एक भगवान बाबा थे, उनके दो चमत्कार उन्होंने कहा है कि उन्होंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी पानी में बैठकर, और जो वो पत्थर के नीचे से गरम रोटी निकालते थे। भाई ये भगवान बाबा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, उनके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने जो चमत्कारों का वर्णन किया, पानी में बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ना, अभी कोई पानी में बैठा है, पानी में बैठकर अगर ज्ञानेश्वरी पढ़ता है तो इट्स ओके, ये उसकी साधना हो गई है। लेकिन अगर इसका मतलब ऐसा है कि वो पानी पर अपने आप तैरते थे और वहां पर वो पढ़ते थे, तो ये भी संभव। जो बहुत अच्छे तैराक होते हैं वो अपने आप को पानी पर तैरा सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि वो निश्चल बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उस अवस्था में तैरते रहते हैं, और उस अवस्था में अगर कोई ज्ञानेश्वरी पढ़ता है तो ये पॉसिबल है। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, मेरे ही मित्र है कमल खेतान, उनके सभी मित्र कहते हैं तैरने वाले कि वो पानी में बिल्कुल ऐसा बैठा रहेगा, ऐसा आपको लगेगा गिरा है, केवल पड़ा है, कुछ हिलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन पानी पर तैरते रहेगा, जबकि वो काफी हेवी वेट इसके बावजूद। तो ये क्षमता इंसान में हो सकती है, और वैसा बाकी लोगों ने देखा वो पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह हो सकता है। तो ये जो साधना है तैरने की, ये आम तैराक भी प्राप्त कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जो दूसरा आपने कहा कि गरम रोटी पत्थर के नीचे से निकालते थे, ये तो असंभव है, ये चमत्कार कोई कर नहीं सकता, ये चमत्कार लोगों ने उनके नाम पर जड़ दिया। चमत्कार दो तरीके के होते हैं, कि वो व्यक्ति खुद कभी चमत्कार नहीं करते लेकिन उनके नाम पर चमत्कार लादे जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चमत्कार का नाटक करते हैं, ट्रिक्स करते हैं, और मैं चमत्कारी पुरुष हूं इस ढंग का वातावरण तैयार करते हैं। अब पहले प्रकार के जो लोग हैं, संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन में कभी चमत्कार नहीं किए, उनके श्लोक ही चमत्कार विरोधी, वो चमत्कार के खिलाफ उन्होंने लिख कर रखा है, योग याग विधि येणे नभे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। सिद्धि यानी चमत्कार करने की जो क्षमता है वो किसी को प्राप्त नहीं होती है, ये झूठी पदवी है, ये झूठा धर्म है, ऐसे कहने वाले संत ज्ञानेश्वर जी के नाम पे भी चमत्कार है, संत तुकाराम के नाम पर चमत्कार है, जबकि तुकाराम महाराज पूरी तरह से चमत्कार के खिलाफ थे, उनके कई अभंग ऐसे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं गाड़गे महाराज का लेता हूं, क्योंकि उसके काफी प्रमाण दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि ज्ञानेश्वर जी के बारे में, तुकाराम जी के बारे में 400 साल 700 साल पहले होने के कारण प्रमाण नहीं दिए जा सकते, लेकिन गाड़गे महाराज के बारे में तो प्रमाण दिए जा सकते हैं। गाड़गे महाराज के बारे में प्रबोधनकार ठाकरे जी ने किताब लिखी है, प्रबोधनकार जी ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, किताब में कहीं भी एक भी जगह एक भी चमत्कार का वर्णन नहीं है। गाड़गे महाराज तो इन सब चीजों के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। गोनी दांडेकर बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने किताब लिखी, हालांकि गोनी दांडेकर कोई रैशनल व्यक्ति नहीं थे प्रबोधनकार ठाकरे जैसे, लेकिन इसके बावजूद उनके किताब में कोई चमत्कार का वर्णन नहीं है कि गाड़गे महाराज ने यह चमत्कार किया वो चमत्कार किया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। और दोनों किताबें गाड़गे महाराज जब जिंदा थे तब लिखी गई, दोनों गाड़गे महाराज को बहुत नजदीक से जानते थे। गाड़गे महाराज को मैंने देखा नहीं है, लेकिन गाड़गे महाराज के साथ जिन्होंने काम किया और मुझे प्रेरणा दी गाड़गे महाराज के तरीके से काम करने की, वो मधुकर जी के जी, बहुत फेमस एक लेखक है विदर्भ के, अभी नहीं है दुनिया में। मेरा एक भाषण उन्होंने 1980 में सुना, मैं बदल चुका था, काफी रैशनल बन चुका था, मेरा एक भाषण नागपुर में हुआ, वो आए पीछे से मेरे पीठ पर थपथपाया, बोले तुम हमेशा ही सुंदर बोलते हो लेकिन आज तो बहुत ही सुंदर बोले, बिल्कुल गाड़गे महाराज जैसे बोले हो। मुझे वो इंसल्टिंग लगा शुरुआत में, क्योंकि गाड़गे महाराज के बारे में मुझे इतनी ज्यादा अच्छी जानकारी तब नहीं थी, गाड़गे महाराज एक संत है इतना मुझे मालूम था,
और मुझे लग रहा था मैं इतनी बुद्धि प्रामाण्य बात, रैशनल बात रख रहा हूँ सामने, साइंटिफिक बात रख रहा हूँ, और मुझे मधुकर जी के कह रहे हैं कि आप तो गाड़गे महाराज हो। तो मुझे तो ये पता था कि आदमी सबके सामने कह रहा है, इतना बड़ा आदमी है, लेखक है, मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं, तो इन्होंने तो बहुत अच्छे उद्देश्य से कहा होगा, इसलिए मैंने गाड़गे महाराज समझने का प्रयास किया और उनके मुंह से कई बातें सुनी। वो गाड़गे महाराज के साथ में काफी रह चुके हैं। फिर उसके बाद में मैंने प्रबोधन कर ठाकरे गुनी दांडेकर का चरित्र पढ़ा, यानी गाड़गे महाराज का चरित्र पढ़ा। तो गाड़गे महाराज अंधविश्वास बहुत ताकत से दूर करने वाले व्यक्ति, उनके बारे में 1983 में एक पोथी लिखी गई जिसमें चमत्कार से भरी हुई पोथी है। तो हम लोगों पर चमत्कार लादते हैं, तो ये दूसरा जो चमत्कार है पत्थर के नीचे से रोटी निकालने का, ये या तो भगवान जो है आप बाबा कह रहे हो उनके ऊपर लादा गया, अगर लादा गया हो तो फिर उनको बदनाम कर रहे हैं, या फिर दूसरे बाबा होते हैं जैसे संत, जने संत अपने आप को कहने वाले सदाचारी साईं बाबा से लेकर तो गुलाब बाबा तक, जिनके बारे में बार बार मैं कह रहा हूं ये सब झूठे चमत्कार करने वाले, लोगों को ठगने वाले, उस ढंग के हो सकते हैं। अब मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है पहला प्रकार तैरना और ज्ञानेश्वरी पढ़ना ये संभव है, दूसरा संभव ही नहीं है। आइदर वो लोगों को बताने के लिए ट्रिक की गई या फिर लोगों ने ये चमत्कार उन पर लादा है। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, आगे वीडियो को जरूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।